तो ये देखिए गाइस, मैं लेके आई हूँ मसाला चूड़ा। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसे नमकीन पोहा भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये शाम के चाय में खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं आज आपको नमकीन पोहा रेसिपी बताने आई हूँ, इसकी रेसिपी बताऊंगी आपको। तो आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप देख सकते हो ये बादाम है, ये काजू है, ये मूंगफली है, ये किशमिश है, ये लहसुन है, ये ब्लैक पेपर है, जीरा है, ये करी लीफ है, ये दो मिर्च है हरी, और एक चॉप किया हुआ प्याज, और पोहा मीडियम साइज बाउल में एक पोहा लिया है मैंने। तो इन सब चीज़ों से हम लोग बनाएंगे। कढ़ाई में गर्म तेल था तो मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया। ये लहसुन की कलियां है, इसको कट नहीं करना है। ये हरी मिर्च है जिसको मैंने कट कर लिया। ये करी लीफ है। ये चने की दाल लेंगे हम लोग 2 चम्मच। इसे ना पोहा में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद हम लोग सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम में ही। तो आप देख सकते हो जब सारे मसाले ऐड हुए हैं तो इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। मैंने एक चॉप किया हुआ प्याज लिया था, उसको भी ऐड कर दिया। ये सभी को मीडियम फ्लेम तक पर भूंजेंगे सुनहरा रंग होने तक। तो आप देख सकते हो कलर इसका कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग शाम के टाइम में ये स्नैक्स बना सकते हो। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, ये ब्लैक पेपर को मैंने क्रश करके लिया हुआ है, और ये सभी को हम लोग मीडियम फ्लेम पर देखो फ्राई कर लिए हैं। तब मैंने पोहे को डाल दिया है। तो आप देख सकते हो हमारा जो पोहा है किस तरीके से कलर में आ गया है। तो आप याद रखें कि इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाती है। ऊपर से हम लोग इसको गरम मसाला ऐड करना है। तो आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स के साथ कितना प्यारा हमारा पोहा फ्राई हो रहा है। तो अच्छे से हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिए हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। तो हम आपको दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने गार्निश के लिए वो पापड़ डाल दिया है ऊपर से। देख लो कितनी कुरकुरी फ्राई हुई है और कितना अच्छा है ये हमारा पोहा जो है मसाला चूड़ा, बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करना। तो गाइज़ हमारा पोहा बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। आप भी ट्राई करें, इसको चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े बूढ़े सभी पसंद करते हैं। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय बाय।